बेटा टू आई आ गई। ओके अब बेटा देखो सुनो ढंग से सुनना, अब डायरेक्शन का खेल है, टोटल डेविएशन कुल विचलन कोण बताना है, कुल विचलन कोण, कुल विचलन कोण मेरे बच्चों, कुल विचलन कोण, कुल कितना घूमी, कुल विचलन कोण हो गया, कुल विचलन कोण हो गया यहां पे डेल इक्वल टू डेल वन प्लस डेल टू, कुल हो गया, दोनों को ऐड कर दो बेटा, डेल वन प्लस डेल टू कर दो, कुल विचलन कोण कितना हो गया डेल वन प्लस डेल टू। अब लेकिन डायरेक्शन देखनी पड़ेगी बेटा यहां पे, यहां पे क्या देखनी पड़ेगी बेटा, डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे सर, देखो सुनो इसका डेविएशन की डायरेक्शन कौन सी है जरा बताना, क्लॉकवाइज, और इसकी भी क्या है क्लॉकवाइज, दोनों सेम डायरेक्शन में तो बेटा ऐड हो जाते हैं, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में होते तो क्या हो जाते हैं बेटा, माइनस हो जाते हैं, दोनों की क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों ऐड हो जाएंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा डेल वन पाई माइनस टू आई और प्लस टू आई, टू आई से टू आई कट गया बेटा, पाई का डेविएशन आ जाएगा बेटा, कुल डेविएशन एंगल कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे, सब बच्चे बोलेंगे, मिलके बोलेंगे, मिलके झूम झूम के बोलेंगे, कितना है सर, सर आ गया आ गया आ गया, चलो एक क्वेश्चन करके बताओ फिर आप लोग बताओगे, ठीक है ना बेटा, देखो कंसेप्ट समझ लेना बेटा मैं क्या करवा रहा हूं, ठीक है ना, नहीं समझ में आया एक बार वापस से देख लेना बेटा इसको चला के, ठीक है ना, ओके सर। अच्छा एक काम करो बेटा, ध्यान एक और बताओ आप लोग, ध्यान बता पाते हो गया, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान देना, क्वेश्चन है सर दो प्लेन मिरर है बेटा, दो प्लेन मिरर हैं, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर रखे हुए हैं, ओके सर, ओके 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 ओके, ये बेटा एक इंसिडेंट रे है, रे है रे है रे है, ये एंगल कितना हो गया बेटा, ये एंगल लेट्स अज्यूम हो गया आप लोगों का 60 डिग्री, ओके सर, बताओ दो परावर्तन के पश्चात, दो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात बेटा विचलन कोण कितना होगा मेरे बच्चों, विचलन कोण बताओ बेटा कितना होगा, विचलन कोण दो परावर्तन के पश्चात बताना है मेरे बच्चों विचलन कोण कितना होगा, ओके सर, चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कितना होगा, अच्छा सर बता रहे, करने लग जाओ, टाइम मत लगाओ, रोक दो वीडियो को और स्टार्ट करो, खुद से करके बताओ, ओके मेरे प्यारे बच्चों आपने कर लिया, अभी देखते हैं क्या किया आप लोगों ने, चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सर यह रे आएगी, आने के बाद जाएगी 90 डिग्री पे है, घूमेगी और यहां से वापस चली जाएगी सर, ओके सर, सर फटाफट देखो बेटा ये एंगल कितना हो जाएगा 60, ओके सर इसको आगे बढ़ाओ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा बेटा, ये एंगल कितना हो गया डेल इक्वल डेल वन, इसको डेल वन बोल दो, तो पाई माइनस टू और आई की वैल्यू कितनी है बेटा 60, तो कितना हो गया जरा बताना, डेल वन की वैल्यू होगी 180 में से 120 किया तो कितना बचा बेटा, डेल वन की वैल्यू आ गई बेटा 60, ओके सर बहुत अच्छी बात है, अब आ गया हो बेटा ये 60, तो बेटा ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री का, ये 90 ये 30 कितना हो गया बेटा 120, अरे 90 और 30 120 होते हैं ना, तो 120 तो ये हो गया 60 क्योंकि 180 होता है, तो ये हो गया 30, तो ये भी कितना हो गया बेटा 30, तो यहाँ का डेविएशन की बात करें, यहाँ पे डेविएशन कितना हो गया, डेल्टा टू कितना हो गया बेटा, डेल्टा टू हो गया सर पाई माइनस टू, आई कितना है बेटा वहाँ पे 30 है, तो डेल टू इक्वल टू हो गया 180 माइनस 60, तो डेल टू इक्वल टू हो गया 120, अरे हो गया कि नहीं हो गया यार, कितना हो गया बेटा डेल्टा टू की वैल्यू 120 हो गई सर। अब दोनों की डायरेक्शन देखो, ये भी इधर ही घूम रहा है, ये भी बेटा इधर ही घूम रहा है, दोनों क्लॉकवाइज में चल रहे हैं बेटा, तो दोनों क्लॉकवाइज में चल रहे हैं मेरे बच्चों, सही है क्या, क्लॉकवाइज इधर घुमा और ये भी इधर घुमा, सही है ना, ये भी इधर घुमा क्लॉकवाइज घड़ी की सुई दिशा में और ये भी इधर ही घूम रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मेरे बच्चों कितना आएगा आंसर, जरा फटाफट बताओ मुझे आंसर कितना आया, सर 180 आ गया, सर 180 आ गया सर, ओके मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है सर 180 आ गया आप लोगों का, ठीक है 180 आ गया, ओके 180 आ गया, तो डेल इक्वल टू कितना आ गया, डेल वन प्लस डेल टू कितना हो गया बेटा 180 डिग्री, ओके गुड सर, अब ये आप लोगों को करके बताना है बेटा, ये आपको करके बताना है, ठीक है ना, फिर आगे बढ़ूंगा, ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, ठीक है ना, इस बार क्या कर दिया मैंने, दो समतल दर्पणों को बेटा किसी एंगल पे ले लिया, ये लो सर ये समतल दर्पण, दो एंगलों को किसी समतल दर्पण पे ले लिया, लेट्स अज्यूम दिस एंगल विल बी कितना ले लें बेटा 70 डिग्री का मान लो, और यहां से कोई रे इंसिडेंट हो रही है बेटा, और ये एंगल है आप लोगों का मान लो 15 डिग्री, ठीक है ना, दो परावर्तन के पश्चात, दो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात वही बेटा आप लोगों को बताना है विचलन कोण कितना होगा बेटा, विचलन कोण बताओ मेरे बच्चों कितना होगा,
फटाफट करके खुद से बताना है बेटा, मैं नहीं बताऊंगा आप लोगों को, इस बार खुद से करना है, खुद से करना है। वही कहानी सेम ले लेना, वही यहाँ से भेजना और भेजना, और वही एंगल का हिसाब देख लेना जैसे देखते आ रहा हूँ। अरे बताऊँ क्या एक बार, चलो फिर भी बता देता हूँ, चलो आपकी फरमाइश पे बता देता हूँ। ये रे आई सर, आई तो ये कितना, ये ऐसे जा रही थी, कितना घूम गई सर, ये घूम गई सर, डेल वन इक्वल टू आ गया पाई माइनस टू आई, तो डेल वन इक्वल टू कितना हो गया पाई, पाई टू आई कितना है बेटा 15, अरे 15 डिग्री है, तो डेल वन इक्वल टू कितना हो गया 180 में से 30 गया तो 150 डिग्री आ गया बेटा, ये तो खेल खत्म। चलो आगे बढ़ो मेरे बच्चों, ये 15 तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा 15, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, थोड़ा सा इसको बड़ा बनाना ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 90 होता है ना 75, 75 अच्छी बात है सर, ये 75 हो गया क्योंकि 90 होता है, ये 90 हो गया 75, ये कितना हो गया 145 हो गया, तो बेटा ये एंगल कितना हो गया मेरे बच्चों 145, तो ये हो गया 35। अच्छा मेरे बच्चों बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर, ये 145 35, तो ये रह आएगी ऐसी चली जाएगी, तो ये बेटा कितना, ये यहाँ से टेस्ट करो, ये एंगल कितना हो जाएगा भाई 35 है, तो ये मेरे को लगता है 45 हो जाएगा बेटा। अरे ये एंगल कितना हो जाएगा जरा बताना बेटा, देख के बताओ, देख के बताओ कितना हो जाएगा, ये 90 होता है ना, तो 90 हो गया तो ये 55 हो जाएगा क्या, 90 है बेटा टोटल ठीक है ना। अरे ये नॉर्मल 90 तो एंगल बनाती है, अरे मेरे बच्चों सुनो सुनो सुनो, ये जो नॉर्मल लाइन खींचती हो ना, ये नॉर्मल, ये सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो इस सरफेस से ये नॉर्मल खींचा है आप लोगों ने, ये 90 का ही बनाएगा, तो ये 90 है तो ये 55 आ जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा, ओके। रे ऐसे जा रही होगी, अच्छा ये ऐसे जा रही होगी, तो कितना घूमी, इतना घूमी, तो डेल्टा टू कितना हो जाएगा पाई माइनस टू, और आई की वैल्यू कितनी है बेटा 55 है ना, 55 डिग्री है, तो देख लो बेटा कितना जाएगा, डेल्टा टू इक्वल टू कितना हो गया 180 माइनस 110 हो जाएगा क्या, हाँ डेल्टा टू इक्वल टू कितना हो जाएगा 70 डिग्री, कोई देख लेना कोई गलती ना हो जाए कैलकुलेशन में, फटाफट चलने में 150 तो ये हो गया और 70 ये हो गया बेटा, दोनों को दो ऐड कर लेना बेटा, कितना आ जाएगा लगभग आ जाएगा मेरे हिसाब से जो भी आएगा 220 डिग्री, क्योंकि डायरेक्शन देख लेना एक बार, डायरेक्शन क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐड हो जाएंगे बेटा, तो दोनों को ऐड कर लो बेटा आंसर आ जाएगा बेटा, ओके सर। ये बेटा कहानी आप लोगों की विचलन कोण की थी, ये कंसेप्ट आपको समझना है बेटा, ओके मेरे प्यारे बच्चों, मुझे विश्वास है आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलो मेरे प्यारे बच्चों बहुत अच्छी बात है बेटा, नहीं आए तो एक बार और वीडियो को चला के देख लेना बेटा ठीक है ना, चलो अच्छी बात है सर। अच्छा जी, इस प्रकार से ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के बेटा, विचलन कोण निकल जाएंगे, कैसा भी क्या दे दे आप लोगों को, थोड़ा सा मैथ्स वाला दिमाग जरूर लगाना है बेटा कि 90 वाला अभी लंबे है ना 87-90 डिग्री का कोण बनाता है, अब ये बातें आपको आनी चाहिए बेटा, ये मत बोल देना सर नहीं आती ठीक है ना, जो भी अभी लंब बनाता है वो 87 कितना डिग्री का एंगल बनाता है बेटा 90 डिग्री। अच्छा बेटा सब बच्चों को बताऊं बेटा, नेक्स्ट है बेटा, समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंबों की संख्या मेरे बच्चों, तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं बेटा समतल दर्पण से, ये बेटा आप लोगों का समतल दर्पण इधर है और एक समतल दर्पण इधर है बेटा, तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे बेटा इसके, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो आप लोग, तो आप लोगों का सीधा याद कर लो बेटा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अनंत होते हैं बेटा, अनंत होते हैं सर ठीक है ना, पता है ना, यहां से रह जाएगी फिर यहाँ जाएगी तो उसकी इमेज बनेगी, फिर ये वाली इधर से जाएगी तो उसकी इमेज बनेगी, और आप लोग याद कर लो बेटा कितने बनेंगे बेटा अनंत, जैसे आप लोगों को पता है कहीं कभी आप लोगों ने वो जादू ही आता है ना मैजिक, वहां पे देखा होगा कि वो चारों तरफ समतल दर्पण लगे होते हैं और जब आप देखते हो तो आप लोगों की अनंत तक इमेज नजर आती है बेटा, तो वो आप लोगों को कितनी इमेज नजर आएंगे बेटा, सर अनंत इमेज नजर आएंगी आप लोगों से। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, क्वेश्चन सुनो, सबसे पहले क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के सामने कि मान लो ये आप लोगों का कोई समतल दर्पण है बेटा, और ये आप लोगों का एक समतल दर्पण और है ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या बताओ बेटा कितनी होगी, इसमें कितनी होगी प्रतिबिंबों की संख्या बताओ, फटाफट बताओ बेटा, टाइम खर्च मत करो, संख्या बताओ बेटा प्रतिबिंब कितने बनेंगे, सब बच्चे बोले एक सुर में बोलेंगे बेटा, सब बच्चे एक सुर में बोलेंगे सब कितना बना, बोलो भाई बोलो 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 बच्चों बोलो, कितने बनेंगे कितने बनेंगे कितने बनेंगे बेटा, ठीक है ना फटाफट बताओ बेटा कितने बनेंगे,
43 33 मिनट होगा। हाँ बताओ बेटा कितने बनेंगे मेरे बच्चों, देखो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, सुनना मेरी बात बेटा अच्छे से। सबसे पहले यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ बिंब है बेटा, ढंग से सुनना बेटा। तो देखो बेटा एक रे यहाँ से जाएगी और बेटा ये परावर्तित होकर कैसे चली जाएगी, तो इसको पीछे डैश डैश करके बेटा हो गए और एक यहाँ से चली जाएगी बेटा, तो यहाँ पे एक तो इमेज यहाँ बनेगी बेटा I1। इसके अलावा यहाँ से देखो, यहाँ से रे आएगी बेटा एक, ये घूम कैसे चली जाएगी बेटा परावर्तित होके। लेकिन यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको ये पीछे से आती हुई नजर आएगी, एक यहाँ से आ जाएगी बेटा, तो एक इमेज यहाँ बनेगी बेटा। तो इसमें कितने इमेज बनेंगी बेटा, इसमें सर आंसर आप लोगों का आएगा बेटा, इमेज बनेगी बेटा 2 प्रतिबिंब बनेंगे बेटा। मेरे बच्चों याद कर लो, मेरे बच्चे सब याद करेंगे बेटा कि सर कितने इमेज बनेंगी, कितने इमेज बनेंगी, कितने इमेज बनेंगी, सर अनंत इमेज बनेंगी बेटा, सॉरी 2 इमेज बनेंगी बेटा, याद रखना बेटा कैसे बनी। अरे इसके अलावा कहीं से भी चला चला के देख लो यार, अगर आपको यकीन नहीं आता तो देख लो, ये रे जाएगी ये भी यही मिलेगी, इसके अलावा ये वाली जाएगी तो ये ऐसे जाएगी, इसकी भी यही मिलेगी बेटा। सिमिलर यहाँ पे ये रे आएगी घूम जाएगी यहीं जाके मिलेगी, रे आएगी घूमेगी यहीं जाके मिलेगी, ये आएगी यहीं जाएगी बेटा, तो ये बेटा यही मिलेगी इसकी इमेज, और इस वाले की इमेज यहाँ मिलेगी, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ मिलेगी, एक यहाँ और एक यहाँ। ठीक है बच्चों, तो इसकी कितनी इमेज बनेगी याद रखो बेटा, सर 2 इमेज बनेगी। सर कितनी इमेज बनेगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 इमेज बनेगी। अच्छे मेरे बच्चों याद है आप लोगों को, गुड सर बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़े एक चीज याद रखना बेटा, क्या याद रखें सर, एक चीज आप याद रखना बेटा कि अगर 2 सर्पल समतल दर्पण, मैं आपको बताऊं, यदि 2 समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण, समतल दर्पण लंबवत रखे हैं बेटा एक दूसरे से, कैसे रखे हैं, लंबवत रखे हैं बेटा, लंबवत रखे हैं, तो अब आप लोगों को बताना है कि कितनी इमेज बनेगी बेटा। तो मैं आप लोगों को समझाऊं बेटा कैसे, क्या सुनना 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 बेटा। देखो ये आप लोगों का क्या हो गया, एक समतल दर्पण, ये आप लोगों का बेटा एक समतल दर्पण, और बेटा यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कितने एंगल पे है, 90 डिग्री के एंगल पे है बच्चों। अब मैं आपसे पूछूं कि बता बेटा कितनी इमेज बनेगी, कितनी इमेज बनेगी मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे कितनी इमेज बनेगी मेरे बच्चों, यहाँ पे इमेज देखो बेटा एक बार बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा बेटा 3 इमेज बनेगी, 3। इसका मैं फॉर्मूला भी बताऊंगा अभी आप लोगों को, अरे भाई इसका फॉर्मूला बताऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ लेके, ठीक है। वैसे तो फॉर्मूला ही है काम का, फटाफट फॉर्मूले से कर लेंगे, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ कैसे बनेगी। देखो मेरे बच्चों कैसे बनेगी, कहाँ कहाँ बनेगी, एक तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है ना उतनी दूर यहाँ बनेगी, इस दर्पण से देखेंगे तो एक जितनी दूर यहां है ना उतनी दूर यहां बनेगी। और बेटा क्या है, सुनना सुनना सुनना, एक तो ये इमेज बन गई यहां पे इस दर्पण से, एक बन गई बेटा इस दर्पण से। ओके सर बहुत अच्छी बात है, सर एक कहां बनेगी, एक कहां बनेगी सर, एक मेरे बच्चों इसको एक्सटेंड करके आगे बढ़ाओ, इसको एक्सटेंड आगे करके बढ़ाओ, तो इसकी यहां और इसकी यहां, ये दोनों है ना, तो इन दोनों के बीच वे पॉइंट पे कहां पे बेटा, जरा सुनना, इसको अगर आप ऐसे ले जाओ और इसको आप ऐसे ले जाओ तो बेटा एक इमेज बनेगी बेटा, यहां पे जाके बनेगी बेटा एक इमेज, कहां बनेगी मेरे बच्चों, एक इमेज यहां बनेगी दोस्तों, यहां 1 2, और बेटा इसको एक्सटेंड करो जैसे पहले स्टार्टिंग में किया था ना एक्सटेंड बेटा, इसको एक्सटेंड करो, इसको एक्सटेंड करो बेटा, तो इसका रे चला चला के देखोगे एक यहां बनेगी बेटा इसकी इमेज, तो 2 और 3 3 इमेज बनेगी बेटा इसकी। अगर आप लोगों को रे डायग्राम से समझना है, आ जाओ मैदान में, रे डायग्राम से क्या दिक्कत है बेटा, ये ऑब्जेक्ट है जैसे ये रे गई परावर्तित होकर चली गई बेटा, तो यहाँ जाके मिल जाएगी, इसमें भी एक रे जैसे यहाँ से आई परावर्तित होकर चली गई बेटे बच्चों, एक रे यहाँ मिलेगी, और एक अंदर वाली जो जाएगी ना घूम घूम के उसकी इमेज यहाँ बनेगी बेटा, अंदर वाली रे जाएगी ना तो अंदर वाली परावर्तित होने के बाद बाहर निकलेगी तो इसकी रे यहाँ मिलेगी, और इधर वाली ऊपर वाली जाके नीचे आके फिर इधर जाएगी तो उसकी भी इमेज बेटा यही मिलेगी। तो बेटा कितनी इमेज बनेगी याद रखना बेटा, 3,
ये इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना इसका, ठीक है ना। इसके फॉर्मूले से भी अपन लोग कर लेंगे इस चीज को, ओके ना। लेकिन अभी ध्यान दो, तीन बनेगी बेटा। अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात बता रहे हो। और बताओ सर कुछ बातें। अच्छा सर, एक बेटा एक चीज बताता हूँ आप लोगों को मैं, एक चीज है बेटा, एक बार सुनना बेटा, एक सुनो, ओके, एक बार, एक सेकंड बेटा, 52 हो गई, हाँ सुनो बेटा, एक है इसके बाद में बेटा वर्तीय कंसेप्ट। बेटा वर्तीय कंसेप्ट मैं आप लोगों को इस चीज के लिए बेटा एक सिखाऊंगा बेटा, क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है ना, क्रिस क्रॉस मेथड सिखाऊंगा। ये आप लोगों को आना चाहिए बेटा, क्रिस क्रॉस मेथड क्या है बेटा, ओके ना मेरे बच्चों। कौन सा मेथड बेटा? क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है ना। इसके बारे में बात करेंगे बेटा, और फिर इसके बाद में वेलोसिटी कितनी क्या होगी। तो एक चीज करो बेटा, क्रिस क्रॉस मेथड क्या होते हैं मेरी बात को समझना बेटा, ठीक है ना बेटा। सुनो, जैसे एक दर्पण है बेटा, आपको सिंपल समझाता हूं बेटा मैं, आप लोग दिमाग मत लगाओ। एक दर्पण एम वन है, एक दर्पण एम टू है, सुनना बेटा ढंग से, अच्छे से बात को। अच्छी बात है सर। अब बेटा इसमें एक्स और वाई, इसमें प्रतिबिंब बना एक्स पर, इस पर बना बेटा वाई पर, ठीक है ना। एक दर्पण एम वन, एक दर्पण एम टू, इस पर प्रतिबिंब बना एक्स पर, इसका वाई पर। तो बेटा इसमें क्या करते हैं, क्रॉस क्रिस क्रॉस करवाते हैं। कैसे, कितनी इमेज बनेगी, कैसे पता लगाते हैं। तो जैसे दो दर्पण है बेटा, और दो दर्पण किसी एंगल पे रखे हुए हैं बेटा, ठीक है ना, जितने भी एंगल पे रखे हुए हैं, तो उनके बीच में आपस में एंगल दे दिया, तो जो भी आप लोगों को पता है इसकी इमेज बनी एक्स पर, इसकी वाई पर, तो आप लोगों को क्या चलाना है बेटा, इसे क्रॉस चलाना है बेटा। तो इसमें क्या बोलोगे, ये बीच में क्या करते हैं बेटा, एक्स प्लस वाई। अभी मैं इसके एग्जाम्पल से आपको अच्छे समझाऊंगा बेटा। आप क्या करोगे, ये एक्स है, ये वाई है, तो ये बीच में क्या जाएगा, एक्स प्लस वाई। फिर आप लोग इसको ऐसे घुमाओ बेटा, फिर यहाँ पे क्या होता है बेटा, ये ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, y, और ये बीच का ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2y। अगेन वापस से यहाँ पे x प्लस वाई, दोनों दो x प्लस वाई क्या है बेटा, x प्लस वाई का मतलब है, x प्लस वाई का मतलब क्या है मेरे बच्चों, x प्लस वाई का मतलब है, x प्लस वाई का मतलब है दोनों के बीच का कोण। अरे भाई जैसे मैं सपोज दैट एक एग्जाम्पल बताऊँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि ये दो दर्पण है बेटा, ये दो दर्पण है, जैसे मान लो ये किसी एंगल पे रखे हुए हैं थीटा पे, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, तो ये कोई एंगल होगा, जितना भी एंगल होगा बेटा, और ये कोई एंगल होगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा, और ये क्या है, दोनों के बीच का एंगल है, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है। तो देखो बेटा सुनो, ये एक्स है, जैसे इसको M1 बोल दो, इसको M2 बोल दो, तो X का मतलब है क्या है बेटा, X, ये Y, तो X का मतलब है कि साहब ये ऑब्जेक्ट M1 दर्पण से कितना एंगल बना रहा है बेटा, ये X है। Y क्या है बेटा, ये Y का मतलब है ऑब्जेक्ट से ये वाला दर्पण कितना कोण बना रहा है, ये Y है बेटा। और X प्लस Y क्या है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण है। तो आप लोगों को बताना है कितनी इमेज बनेगी, मेरी बात समझ में आएगी ना, कितनी इमेज बनेगी ये बताना है आप लोगों को, समझ लेना। मैंने यहां बता दिया है x क्या है, y क्या है, और ये क्या है बेटा, x प्लस वाई क्या है। ये दर्पण है दो m1 m2, तो यहां पे लिख दो इसका कोण x, यहां पे m2 के नीचे लिख दो इसका कोण बेटा y, फिर यहां पे क्रॉस चलाओ बेटा, बीच में दोनों को जोड़ दो जितना भी कोण है, फिर इसमें इधर से आओ जोड़ के लिख दो, इधर से आओ जोड़ के लिख दो, फिर इधर से आओ मेरे बच्चों, फिर इसमें जोड़ के लिखो, देखो कितना आएगा, 2x, x प्लस टू एक्स, सॉरी हाँ 2x, और प्लस 3y, और इधर कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2x और x 3x, और y प्लस 2y, ऐसा चलता रहेगा बेटा, और भी चलता रहेगा आगे ऐसे, फिर x प्लस y आ जाएगा, और ऐसा चलता रहेगा। फिर इमेज काउंट कर लो कितनी इमेज बनी। तो ये कब तक चलाना है, जब तक इसकी वैल्यू 180 के बराबर या 180 से ज्यादा नहीं आ जाए, तब जाके स्टॉप हो जाना है बेटा। तो जैसे 180 डिग्री या 180 डिग्री से ज्यादा आ गया, वहीं पे रुक जाओ आप, अभी न्यूमेरिकल से समझेंगे इस चीज को। तो वैसे आप जाके क्या करो बेटा, आगे रुक जाओ। अच्छी बात है, जैसे रुक जाओ, उसके अलावा फिर काउंट करो कितनी इमेज बनी, जैसे 1 2 3 4 5 6, जैसे 180 आ गया यहां पे, यहां पे रुक जाओ, तो ये कितनी इमेज बन गई, 1 2
तीन चार पाँच छः, ऐसे काउंट करके बताना है बेटा। और भी काफ़ी कंसेप्ट हम इसमें ओवरलैप वगैरह के, ठीक है ना, और भी काफ़ी चीज़ें हैं बेटा, लेकिन आज ये चीज़ हो नहीं पाएगी बेटा। इस चीज़ को मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है ना। इस वापस से इस चीज़ को वापस से देखेंगे एक बार कैसे क्या है, और इसके एग्जाम्पल करेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, ओके।